नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं शांति का संदेश लेकर आया हूं। युद्ध में भी भारत यूक्रेन के संबंध मजबूत ही हुए हैं। भारत और यूक्रेन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। युद्ध के समय हमने यूक्रेन की जरूरतों का ख्याल रखा है। भारत हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। पुतिन से कहा था कि ये युद्ध से समाधान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस दर्दनाक परिस्थिति में भी आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन आया है, जो आपने अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका राष्ट्रीय दिवस है और हम आपको इसके लिए बधाई भी देते हैं। हम यूक्रेन में शांति, सुख, समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जब दोनों की मुलाकात हुई, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में। इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपको आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से, मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए।